सभी दोस्तों को मेरा राम राम। मैं कुलदीप, आप देख रहे हैं हरियाणा जर्नी चैनल। मैं आपको हरियाणवी कलाकारों से रूबरू करवाता हूं। आज हमारे साथ में है हरियाणा की मशहूर मॉडल रॉय अंबिका जी हैं, तो आइए उनसे आपकी करवाते हैं मुलाकात। राम राम जी। राम राम जी। मैं आप सबकी अपनी रॉय अंबिका। सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। हरियाणा के जितने भी कलाकार हैं उन सबको जनता से रूबरू कराते हो, इसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद आपको। धन्यवाद जी। तो सबसे पहले तो अंबिका जी हमें ये बताइए कि आपकी शुरुआत कैसे हुई। मेरी शुरुआत तो बहुत ही मुश्किलों से हुई थी। सबसे पहले मेरे पास ऑफर आया था भोजपुरी सॉन्ग का, जो कि मैं अपनी फ्रेंड के उसमें डांस कर रही थी, तो उन्होंने मुझे एज अ डायरेक्टर ने बोला मुझे कि तुम मेरे एल्बम में काम कर लो। तो मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने साफ मना कर दिया कि लाइन अच्छी नहीं है, ये है वो है, तो उन्होंने मुझे बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया। फिर मैंने उसको इनफ कर दिया कि भाई सपोर्ट ही नहीं कर रहे फिर क्या फ़ायदा करने का। जब मेरी शादी हो गई तो मेरी फैमिली वाले ने, मेरे हस्बैंड ने मुझे फुल सपोर्ट किया। उसके बाद जब ये भी ऑफ़र आया था सपना के थ्रू, सपना से जब मेरी मुलाकात हुई थी तो उनके थ्रू ही मेरे पास ये ऑफ़र आया था सॉन्ग वगैरह का। तो धर्मेंद्र त्रिपाठी जी हैं जो उनके सपना के मेकअप आर्टिस्ट है पर्सनल, तो उनका शूट चल रहा था मेरे घर के पास पे, तो उन्होंने मुझे बुलाया था कि मैडम आप अगर शूटिंग में इसमें लाइन में आना चाहते हो तो पहले शूट देख लो जी। तो फिर उन्होंने मुझे दिखाया, तो वहाँ गई तो उन्होंने मुझे साइड रोल दिया था। साइड रोल से आज मेरे बहुत सारे एल्बम आ चुके उस साइड रोल से जी। कहते हैं ना किस्मत चमकने वाली बात होती है बस। तो आप रहने वाले कहाँ के जी? मैं रहने वाली दिल्ली की हूँ जी। अपने कौन से प्रोजेक्ट किए? प्रोजेक्ट तो मेरे बहुत सारे आ चुके हैं। गांव वाला गैंग स्टार है, टाइम माड़ा है, और ओवरटेक है, वैलेंटाइन सॉन्ग है, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट आ चुके हैं मेरे। सबसे बेस्ट कौन सा है जो सुपर टूपर रहा हो? सबसे बेस्ट है टाइम माड़ा, जो जिसको किया है मैंने और हिमांशी ने, दोनों ने मिलकर किया था, और बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, और इस टाइम पे टिकटॉक पे भी बहुत हिट गया था वो, और वैसे भी अच्छा सॉन्ग चल रहा है वो। तो हमारे दर्शकों को गुनगुना के सुना सकते हो? वैसे मैं सिंगर नहीं हूँ तो आवाज़ का माइंड मत करना। आज तेरे यार का तो टाइम माड़ा सा, कल तेरे यार की भी बारी आवेगी, इतना ही याद है, इससे ज़्यादा मुझे याद नहीं है इसका। तो आपको हरियाणा में कौन कौन से कलाकार से सपोर्ट मिला है? मुझे हरियाणा में बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है और जिनके साथ मैंने काम किया। सबसे पहले हिमांशी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, उसने भी उनको बहुत अच्छा सपोर्ट कर रखा है, और सपना जिससे जब मैं मिली थी तो उन्होंने भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट कर रखा है। फर्स्ट टाइम मैं मिली थी उन्होंने बहुत प्यार दिया था मुझे, उनके चक्कर में मैं आज यहाँ हूँ। जो भी मैंने प्रोजेक्ट किए सब उन्हीं के बदौलत किए मैंने। सबसे ज़्यादा आपको कौन सा कलाकार पसंद है? सबसे ज़्यादा कोई कलाकार पसंद है तो वो है सपना। क्यों? क्योंकि उसकी जो स्ट्रगल जो है, उसने जो अपने लाइफ में देखा है और उसके बाद भी वो आज इस जगह खड़ी है कि नाम है उसका, इस चक्कर में मुझे उसकी काबिलियत पे बहुत गर्व है और वो मुझे बहुत अच्छी लगती है आज के डेट में। आप किसको आदर्श मानते हो? कलाकार तो सभी अच्छे लगते हैं, और मैं जितने भी कलाकार हैं सारे ही अच्छे हैं। आपके घर में कौन कौन है जी? मेरे घर में जी जिसकी ज़रूरत है वो सभी हैं। मम्मी हैं, 5 बहनें हैं, हम 1 भाई हैं, और हस्बैंड है, सास ससुर है मेरे, और देवर है बस जी। तो आप कलाकारी के अलावा और भी कोई काम करते हैं? कलाकारी से फुर्सत नहीं मिलती मुझे। जैसे मान लो कोई आप सॉन्ग कर रहे हो तो डायरेक्टर आपको समझा रहा है और बार बार रीटेक हो रहा है, तो आपको गुस्सा नहीं लगता? स्टार्टिंग में बहुत गुस्सा आता था जब मुझे पता नहीं था कि मतलब इतनी बार परेशान कर देते थे, एक बार रिटेक ले लिया, दोबारा रिटेक ले लिया, अब तो खैर रिटेक का मौका ही नहीं देती मैं उनको। बट फर्स्ट टाइम में मुझे बहुत गुस्सा आता था, ये क्या है बार बार रिटेक रिटेक रिटेक, जी तो ऐसा करता था कि शूट छोड़ के चली जाऊँ, बट गुस्सा कंट्रोल करना आता है मुझे। तो मैं बहुत गुस्सा कंट्रोल करती थी अपने आप को। आपके कौन से प्रोजेक्ट आने वाले हैं जी? अभी बहुत ही प्यारा सॉन्ग आएगा, बहुत ही प्यारा, जिसका अभी मैं हाल फिलहाल शूट करके आई थी, मैं और जीतू चौधरी जी ने शूट किया था, और बहुत ही अच्छा है वो, घूम घाघरा सॉन्ग का नाम है, और आएगा वैसे तो 8 तारीख को आने वाला था आज ही, बट किसी प्रॉब्लम की वजह से वो सॉन्ग रिलीज़ नहीं हो पाया, और बहुत जल्दी सॉन्ग रिलीज़ हो जाएगा, और बहुत प्यारा सॉन्ग है ये जी। फीमेल होने के नाते हम आपसे पूछते हैं कि फिल्म इंडस्ट्रीज़ के अंदर क्या दिक्कतें आती हैं? दिक्कतें देखो, कहते हैं ना एक लोग जो होते हैं ना वो सबको गंदा कर देते हैं, बस ये नहीं कि मैं ये नहीं कहूँगी कि सभी गंदे हैं, नहीं। जब मैं स्टार्टिंग में इस लाइन में आई थी ना, तो मतलब कोई बात भी करता था ना तो आप समझ ही सकते हो कि उनकी लाइन में सिर्फ और सिर्फ दिमाग में गंदी भरा रहता था,
बट मेरा एक चीज़ है, मैं अपने लिए भी कहती हूँ और लड़कियों के लिए भी कहती हूँ जो आएंगे वो भी और जो अब तक आने वाले हैं वो भी, कि अपने ऊपर भरोसा रखो, लोग चाहे जो मर्जी बोले उस पर ध्यान मत दो, क्योंकि अगर औरों की बात पे ध्यान दोगे ना आप तो अपनी लाइफ कभी नहीं देख सकते, आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। अगर मैं चाहती ना तो जब मुझे फर्स्ट टाइम 2-3 लोगों ने ऐसा कहा कि मतलब उल्टी सीधी बातें बोली कि सॉन्ग करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा, तो मैं चाहती तो मैं उसी टाइम हार मान के घर में बैठ जाती, बट नहीं, मैंने उनसे साफ कहा था जिन्होंने मुझसे उल्टी सीधी बात बोली थी कि मैंने कहा मुझे अपनी मेहनत पर बहुत भरोसा है, आज आप मुझे काम मत दो बट कल को मुझे काम ज़रूर मिलेगा। बस उनको देना था तो उन्होंने मुझे दिया, उन्हें पता था ये हाथ में नहीं आएंगी तो उन्होंने मुझे काम दिया, और मैं अपने ऊपर बहुत वो गर्व फील करती हूँ कि हाँ मैं उन फालतू लोगों की बातों में नहीं आती, मैं अपने ऊपर बहुत भरोसा रखती हूँ और आगे बढ़ने की काबिलियत मेरे अंदर है जी। तो सबसे ज़्यादा आपको डायरेक्टर कौन सा पसंद है? आजकल तो बहुत ही सारे डायरेक्टर आ चुके हैं, उसमें से जो फेमस चल रहे हैं वो कुलदीप राठी हैं, जो जिनका मुझे सॉन्ग भी बहुत अच्छे लगते हैं, वहाँ पे उन्होंने जो भी सॉन्ग अब तक किए हैं वो बहुत ही अच्छे किए हैं। और एक हैं जो उन्होंने जो जो मेरे सॉन्ग के डायरेक्टर थे फर्स्ट सॉन्ग के, वो संजीव जी, वो भी बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, वो भी एक नंबर सॉन्ग निकालते हैं बहुत सर जी। तो सबसे पहला सॉन्ग कौन सा था आपका? सबसे पहला सॉन्ग वैलेंटाइन डे सॉन्ग था, जिसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ साइड रोल किया था, और सबसे पहला सॉन्ग वही था, उसी से मैं आज और भी एल्बम मैंने निकाले हैं जी। तो हरियाणा के अंदर आप क्या करना चाहते हैं? हरियाणा को मैं वर्ल्ड लेवल तक पहुंचाना चाहती हूं, और जितने भी कलाकार हैं, वैसे तो खैर हरियाणा बहुत आगे बढ़ चुका है, पहले हरियाणा का कोई नहीं सुनता था, बट आज की डेट में देखो जहाँ जाओ वहाँ हरियाणवी सॉन्ग बजते हैं, तो खुद को भी अच्छा फील होता है कि हाँ हम वही सॉन्ग करते हैं जो यहाँ बज रहे हैं। तो हरियाणा ऑलरेडी खैर नाम तो हो ही रहा है, बट मैं चाहूँगी कि हरियाणा और ज़्यादा उठे और मेहनत करो, सब जितने भी गर्ल्स हैं सबसे मैं यही कहूँगी पूरी मेहनत करो और हरियाणा को और आगे बढ़ाओ, जितने भी स्टेट है सब में अपना हरियाणा बजना चाहिए बस। वैसे आप स्टेज शो करते हो तो आपको गलत कमेंट भी आते हैं? देखो लोग हैं तो गलत कमेंट तो करेंगे ही, उसमें 100 में से 10 गलत कमेंट करने वाले हैं तो बाकी अच्छे भी तो है ना, तो मैं उन गलत कमेंट की तरफ ध्यान ना देके मैं उन अच्छे कमेंट की तरफ ध्यान देती हूँ, उससे मुझे और भी हिम्मत आती है और मैं अपना फुल इन्जॉय करके परफॉर्म करती हूँ स्टेज पर खड़ी होकर। तो मुझे उस गलत लोग तो बोलते ही बहुत गलत बोलते हैं कि मतलब हम डांस भी कर रहे हैं तो नचनिया है ये है वो है, तो मुझे उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बोलने वाले बोलते रहो, हम तो आगे बढ़ेंगे और बढ़ते रहेंगे। और मेरा औरों से भी यही कहना है कि अभी हरियाणा में ये है कि हर दूसरे दिन कोई नया कलाकार ज़रूर आता है, तो मेरा उनसे भी यही कहना है कि जितने भी लोग तुम्हें मिले कि उल्टा सीधा बोलने वाले, स्टेज पे तुम जा रहे हो तो तुम्हें कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हैं, प्लीज़ उन पर ध्यान ना दे, अपने काबिलियत पे ध्यान दे, अपने परफॉर्म पे ध्यान दे, उन लोग को इनफ करें, उसको ध्यान दे जो आपकी तरफ आते हैं, जो आपको इतना प्यार करते हैं उनको देखो, उल्टे सीधे बोलने वाले को उनको मत देखो प्लीज़, और आगे बढ़ते रहो जी। आप दिल्ली की रहने वाली हैं तो आपको हरियाणा कैसे पसंद आया? ये आपने बहुत ही मेन पॉइंट पूछ लिया कि दिल्ली में रहने वाले हरियाणा कैसे पसंद है। एक्चुअली मेरी बुआ जो है वो हरियाणा में ब्याही हुई हैं और वहाँ की लैंग्वेज मुझे बहुत अच्छी लगती है, हालांकि कई लोगों को लैंग्वेज हमारी पसंद नहीं आती, हरियाणा में खड़ी लैंग्वेज है, तो मुझे वहाँ की लैंग्वेज बहुत अच्छी लगती थी। और जब स्टार्टिंग मैंने जब सपना के सॉन्ग सुने तो मुझे बहुत क्रेज़ होता था कि हाँ मेरे को भी यही चीज़ करनी है, तो बस ठान लिया कि जो चीज़ करनी है तो करनी है और आज वो करके रही हूँ। तो मुझे हरियाणा से बहुत प्यार है क्योंकि अच्छे हैं हरियाणा वाले, दिल के भी बहुत अच्छे हैं। जैसे कई परिवार मान लो ऐसे हैं जो लड़कियों को बाहर नहीं निकलने देते कोई भी काम कोई भी फील्ड हो, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि हर खासकर ये चीज़ हरियाणा में ज़्यादा होता है, दिल्ली वगैरह में तो अधिकतर लड़कियों को बाहर निकलने ही देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट हरियाणा में ये चीज़ देखी गई है कि वो लड़कियों को बाहर नहीं निकलने देते, ऐसा क्यों? आप अपने बच्चों पे विश्वास रखो और पूरा पूरा विश्वास रखो, अगर आपको विश्वास है तो वो बच्चे आगे आपका नाम नहीं डुबाएंगे, नाम ऊँचा करके ही दिखाएंगे आपको, तो अपने बच्चों को आप बाहर निकलने दो, उनको आगे बढ़ने दो, वो उनसे हालांकि आप इन्फॉर्मेशन लेते रहो कि क्या कर रहे हो क्या नहीं, बट उन्हें बाहर निकलने दो। आज की जनरेशन में देखो कितनी अधिकतर हरियाणा में लड़कियां जो है इतनी ऊपर जा चुकी हैं, तो मुझे गुजारिश आप सबसे भी है कि आप अपनी बेटियों को बाहर ज़रूर निकालें और उन्हें ऐसे ही आगे बढ़ते रहने दें। आपके शौक क्या क्या है? मेरा शौक यही है कि जिस लाइन में मैं अभी हूँ मॉडलिंग लाइन में, इसी लाइन में मेरा करियर, मैं चाहती हूँ कि मैं आगे बढ़ूँ इसी लाइन में और बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट निकालूँ, तो इससे ज़्यादा मेरा कोई शौक नहीं है, मैं यही चाहती हूँ कि इसी लाइन में मेरा नाम हो और मैं मेहनत करती जाऊँ जी। तो हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं एक चीज़ उन लोगों से कहना चाहूँगी जो कि
गलत कमेंट करने वालों से, जो वीडियो देखते तो सही हैं बट उसके नीचे कई कमेंट ऐसे आएंगे कि मतलब उल्टे सीधे, तो सबसे रिक्वेस्ट है, मेरे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप कलाकारी के कलाकार देखो, उनकी मेहनत देखो, उन्हें उल्टा सीधा वर्ड यूज़ मत करो, वो इतनी मेहनत से बाहर आते हैं और आप उन्हें उल्टा सीधा वर्ड बोल के उन्हें नीचे गिराने की सोचते हो, तो प्लीज़ ऐसा मत करो, वो आपके मनोरंजन के लिए ही तो कर रहे हैं, वो अपने लिए थोड़ी ना कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि पूरे उनका जो सॉन्ग है वो पूरे इंडिया में चल रहा है, वो आप सब भी देख रहे हो, अगर आप पूरे दिन में कोई सॉन्ग ना देखो तो आप लोग का टाइम पास नहीं होगा, मानते हो इस बात को? तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगी प्लीज़ उन कलाकारों से कभी उल्टा सीधा मत बोलो, उन्हें आगे बढ़ने की और हिम्मत दो और हौसला दो कि वो आगे बढ़े। तो ये थी हमारी बीच में रोय अंबिका जी, तो इन्होंने बहुत अच्छा संदेश दिया है, तो आप इनको लाइक करो, कमेंट करो और बताओ कि आपको इंटरव्यू इनका कैसा लगा। हरियाणा जर्नी चैनल को लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, इस चैनल को बहुत आगे बढ़ा दो, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम करते हैं हरियाणा के, जिसको आप नहीं भी जानते ना उन्हें भी आपसे रूबरू कराते हैं, हरियाणा के सभी कलाकारों से आपसे बातचीत करा रहे हैं, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, जय हरियाणा, जय हरियाणवी, भारत माता की जय।